केपी इंतखाबात गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुला लिया। गवर्नर केपी गुलाम अली ने कहा इलेक्शन कमीशन का खत मिला, पढ़कर जवाब दे दिया। तारीख से मुतालिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बुला लिया है। तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर तारीख के हवाले से फैसला करेंगे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए तारीख लगी थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से, तो उन्होंने आज उस खत का जवाब दे दिया है। इस सिलसिले में हमारी बात हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने खत का जवाब दे दिया है और मशावरत के लिए उनसे कहा है कि वो 7 या 8 मार्च को मशावरत के लिए आ जाएं। उनका कहना था कि वो तमाम सूरत हाल का जायजा लेंगे, मशावरत करेंगे और उसके बाद इलेक्शन की तारीख देंगे। इसके बगैर वो अभी तारीख देने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने आज इस हिस्से में जवाब देना था। उनका ये कहना था कि 30 के रोज वो खत का जवाब देंगे, तो उन्होंने अभी कुछ देर कबल जो है वो उस खत का जवाब दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को जो है वो मशावरत के लिए कल या बुध के रोज उन्हें बुला दिया है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर आपका। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि गवर्नर केपी ने इलेक्शन कमीशन को अहम मुशावरत के लिए बुला लिया है।